ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग की फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 29 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalitia.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalitia.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस है होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, नॉर्मली आपको यह दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में तीन डॉट बना हुआ वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ से हम आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के हैं, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से नया टैब ओपन हो गया, नीचे को स्लाइड कर लिया हमने और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें लिखा हुआ मिल गया फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू। और यहाँ पे सारे पार्ट अपलोड है, आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आसानी से बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पीडीएफ की बात। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन या फिगर दिया हुआ पूछ रखा है कि हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है, कि यह किस चीज को डिनोट कर रखा है या कौन सा फंक्शन है आपका। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फिगर यह वाला है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि देखिए यहाँ पे बर्तन दिखाए गए कई सारे, यह बर्तन है, यह बर्तन है, यह बर्तन है, अलग है, कई सारे बर्तन है जिनको एक ही पाइप से जोड़ा गया है। इस वाले को, इस सभी बर्तनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया गया है। और यह दिखा रहा है ऊपर एक लाइन खींची गई है, दिख रही है लिक्विड लेवल लिखा हुआ रेड कलर से, जो लाइन खींची हुई है दिखा रहा है कि सभी बर्तनों में जो आपका लिक्विड है उनका लेवल एक समान है। क्या है उनका लेवल एक समान है, यह किस वजह से? तो देखिए किसी भी बर्तन में, जो किसी भी बर्तन में जो द्रव भरा हुआ है ना, लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड की अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका प्रेशर लेना चाहेंगे तो दाब हमारा क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे जो उसका लिक्विड में द्रव का किसी भी पॉइंट पे आप दाब लेंगे तो वह अपने ऊंचाई पे, मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है उस ऊंचाई के, वो क्या होता है अनुपानुपाती होता है। ठीक है, प्रेशर उसी हिसाब से रहता है। तो देखिए इस बर्तन में अगर मान लीजिए द्रव की ऊंचाई ज्यादा होती, इसमें अगर कम होती तो क्या होगा भाई, इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि किसी पॉइंट पे आप प्रेशर लेंगे तो उसकी ऊंचाई के हिसाब से प्रेशर होता है। तो अगर इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता तो क्या होता और इसमें कम होता तो इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता। तो यह जो इस बर्तन में जो पानी है यह इस पानी को तब तक इस वाले बर्तन में भेजता जब तक कि दोनों का दाब बराबर ना हो जाता, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होगा तो यह पानी दूसरे बर्तन में भेजने लगेगा। तब तक भेजने लगेगा जब तक इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, तब तक यह अपना पानी क्या होगा दूसरे बर्तन में भेजता रहेगा। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये तीन अलग अलग आकृति के बर्तन है, किसी में भी पानी ज्यादा भरा रहा होगा लेकिन तीनों को जब एक पाइप से कनेक्ट कर दिया गया तो तीनों पानी क्या होगा, क्योंकि जब इसमें ज्यादा हुआ तो यह अपना पानी इसको दे दिया, मतलब तीनों में प्रेशर एक बराबर हो गया, मतलब तीनों ने पानी एक दूसरे को बराबर बराबर ट्रांसफर कर दिया। किसकी वजह से? तो यही हमारा क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वह, मतलब किसी भी बर्तन में अगर प्रेशर ज्यादा है पानी ज्यादा है तो वह अपना जो पानी, अगर सब बर्तन एक दूसरे कनेक्ट हैं, बर्तन किसी भी आकृति का हो वह सब में अपना पानी ट्रांसफर करके उस लेवल को बराबर कर लेगा। तो देख रहे इसमें 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 तीनों का लेवल क्या बिल्कुल एक बराबर है। ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर क्या है, द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन? तो देखिए पास्कल ने बताया था कि किसी भी बर्तन में अगर द्रव भरा जाएगा, किसी भी बर्तन में अगर हम द्रव भरते हैं तो वह द्रव बर्तन के चारों दिशाओं में एक समान रूप से दाब लगाता है। अभी मैं इस चीज को प्रूफ भी करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोतल है, बोतल है आपको दिख रहा होगा, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर आप इसमें जो द्रव भरा हुआ है तो ये द्रव है ना, ये जिस बर्तन में, मैंने बताया जिस बर्तन में भरा जाएगा, अगर मान लीजिए द्रव को इस बोतल में हमने डाल दिया तो ये जो द्रव है यह क्या करेगा, इस बर्तन के चारों तरफ एक समान दाब लगाएगा। यह द्रव क्या है, द्रव दाब लगा रहा है, प्रेशर भाई द्रव इसमें भरा हुआ है तो बाहर निकलना चाहेगा ना भाई, द्रव इसमें भरा तो द्रव दाब लगा रहा है बर्तन पे, इस बोतल पे दाब लगा रहा है, लेकिन सभी दिशाओं में एक समान दाब लगा रहा है। कैसे? क्योंकि अगर देखिए अगर दाब अगर सभी दिशाओं में एक समान नहीं लगाता तो आप बोतल में पानी भर के जब रखते तो बोतल खड़ा रहता है ना, अगर दाब एक समान नहीं होता, एक साइड दबाव ज्यादा होता है एक साइड का, मतलब बोतल तुरंत गिर जाती ना, बोतल कभी खड़ी ही नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि अगर बोतल हमारी खड़ी रह रही है, इसका मतलब बोतल में जो पानी भरा गया है तो द्रव को या पानी को आप किसी भी बर्तन में भरेंगे तो द्रव क्या करता है, द्रव चारों दिशाओं में, उस बर्तन के चारों दिशाओं में एक समान दाब लगाता है, या पास्कल ने बताया था। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए दिखाया गया कि इसमें द्रव भरा हुआ है तो इधर भी प्रेशर लगा रहा है, 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 इधर इधर देखिए दो प्रेशर लगे हुए थे, इधर भी दो एरो दिखा दिया, ऊपर एक प्रेशर तो नीचे भी एक प्रेशर, मतलब चारों तरफ एक समान दाब,
इसमें भी देखिए दो प्रेशर इधर, एक प्रेशर इधर, इधर इधर, मतलब बर्तन में जिसमें भी द्रव भरा जा रहा है वो चारों तरफ एक समान दाब लगा रहा है। या किसने बताया था, या पास्कल ने बताया था, और इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन, की जो द्रव का प्रेशर होता है उसका देखिए ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यह वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ इनइक्वल नहीं, अनइक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे अनइक्वल होगा, अनइक्वल पिस्टन एरिया, असमान पिस्टन क्षेत्र, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये असमान पिस्टन क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखिए क्या कि देखिए ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन, देखने में लग रहा होगा या पिस्टन छोटा है या बड़ा है, मतलब इस पिस्टन की एरिया कम है और इसका ज्यादा है, इस पिस्टन का एरिया कम है और इस पिस्टन का एरिया ज्यादा है। तो यह कह रहा है कि अगर हम इस पिस्टन पे बल लगाएं, छोटे वाले पिस्टन पे हम कम बल लगाएंगे, और जो बल लगाएंगे कम बल लगा करके हम इस बड़े वाले पिस्टन को उठा देंगे। यह पिस्टन बड़ा है ना या छोटा है, लेकिन छोटे वाले पे कम बल लगा करके बड़े वाले को उठा देंगे। जैसे यह छोटा वाला पिस्टन है, इस पे हम कितने केजी का, मान लीजिए हमने इस पे बल लगाया कितने का, 10 केजी का प्रेशर लगाया ना, आप जानते हैं फार्मूला होता है P = F/A। अगर हम 10 केजी का बल लगाए, प्रेशर लगाएंगे तो बल कितना लगेगा, तो बल बराबर क्या होगा, P × A। मतलब हमने पिस्टन पे कितना प्रेशर लगाया और इसका जो एरिया है उसके बराबर बल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पिस्टन का जो एरिया है कितना, 10 मीटर स्क्वायर है। पिस्टन का एरिया कितना दिया है, एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, और हमने बल कितना लगाया, 10 केजी का लगाया। तो आपको मालूम है द्रव पे आप कहीं भी देखिए, द्रव असंपीड्य होता है, मतलब जिसे दबाया नहीं जाता, द्रव को कभी आप दबा नहीं सकते हैं, वह असंपीड्य होता है। ठीक है, तो द्रव क्या, असंपीड्य होता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है। तो द्रव क्या, किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे ना, तो वह द्रव के सभी पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लगेगा, क्योंकि वह असंपीड्य है। जो भी आप प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे तो वह दूसरी छोर तक जाएगा, क्योंकि द्रव असंपीड्य होता है, वह दबता नहीं। जैसे यह पेन है, अब पेन दबता तो है नहीं, अगर मैं इसको 1 सेमी आगे खिंचाऊं तो पूरा 1 सेमी आगे खिंचक जाएगा, क्योंकि असंपीड्य है। वैसे इस पे भी अगर हमने थोड़ा सा 10 केजी का बल लगाया तो 10 केजी पूरा यहाँ तक लगेगा। ठीक है, तो यह देखिए 10 मीटर स्क्वायर था और हमने 10 केजी का फोर्स लगाया, तो इस पे कितना लग गया हमारा, तो 10 × 100 केजी का फोर्स लग गया हमारा, लग गया ना। लेकिन अगर यहीं पे हमने इस पे लगाया छोटे पिस्टन पे, और जब ये बड़े वाले पिस्टन पे आएगा, कितने हमने इस पे 10 केजी का प्रेशर लगाया था ना, तो इस पे भी कितने का प्रेशर लगेगा, 10 केजी का ही लगेगा। मैंने बताया था कि द्रव पे जितना प्रेशर लगाएंगे आप, वह पूरा उसी द्रव पे लगेगा, क्योंकि द्रव असंपीड्य होता है। हमने 10 केजी लगाया था, पूरा 10 केजी का यहां तक लगेगा, क्योंकि 10 केजी का इस पिस्टन पे प्रेशर लगा, और इस पिस्टन का एरिया कितना है, तो ये पिस्टन बड़ा दिख रहा है, तो इस पिस्टन का एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, तो इस पे टोटल बल कितना लग गया, तो 50 × 500। तो देखें यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगे ना, हमने कम बल लगा करके, मतलब हमने छोटे पिस्टन पे कम प्रेशर लगाया और हमने बड़े पिस्टन को अधिक बल लगा दिया, कम प्रेशर लगा करके अधिक बल से उसको उठा दिया। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि यह जो पिस्टन है इसका एरिया कम था, हमने लगाया 10 केजी का ही, लेकिन 10 केजी का प्रेशर यहाँ भी लगा और हमें मालूम है बल क्या होता, P × A, तो इस एरिया के हिसाब से, क्योंकि इसका एरिया बड़ा था, तो 50 × 500 हो गया और 10 × 100 लगा। ठीक है, यह चीज होता है, इसी को कहता है अनइक्वल पिस्टन एरिया, कि पिस्टन एरिया जो है असमान है, इसका कम है और इसका पिस्टन एरिया ज्यादा है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जब हमारा द्रव एक सीधी रेखा में इस तरह से बहता है, तो इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रीम लाइन, प्रवाह रेखी धारा, मतलब एक रेखा के धारा में बह रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोला जाता है जब सीधा बहता है। लेकिन अगर यही द्रव हमारा अलग अलग दिशाओं में, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब द्रव क्या हो अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो उसी को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जब द्रव गर्म होता है, हीट होता है, या जब ऑयल है हमारा हीट होता है, तो वह इधर उधर भागने लगता है, इधर उधर बहने लगता है, तो उसी को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। यहाँ वाले देखिए फिगर में दिखाया गया कि यहाँ पे देखिए दिखाया कि यह सब सीधी लाइन में बिल्कुल बह रहे हैं, यह द्रव क्या हमारा सीधी लाइन में बह रहा है, तो यह जो हमारे सीधी लाइन में यह द्रव इस तरह से बह रहे हैं, तो यह हमारा बिल्कुल एक रेखा में बह रहे हैं, तो हमारा स्ट्रीम लाइन कहलाएगा, रेखा प्रवाह कहलाएगा। लेकिन इधर दिखाया गया कि यह द्रव देखिए ऐसे 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 इसी में कट्टम कुट्टम कर रहे हैं, सब इधर उधर ऊपर नीचे भाग रहे हैं, अब यह सीधी रेखा में नहीं बह रहे हैं, यह ऐसे ऐसे, तो यह जो द्रव हमारा इधर ऊपर नीचे किधर भी दिशा में बह रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यही हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। ठीक है, इसका फिगर हमारा यह वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है, कि विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर हमारा ऑयल गति में है, अगर ऑयल हमारा गति कर रहा है, तो उसमें कौन सी, देखिए बेसिकली सी बात, कोई चीज अगर रुकी हुई है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी है। कोई चीज स्थिर है तो किस वजह से, तो अपने स्थितिज ऊर्जा की वजह से स्थित है।
और अगर कोई चीज चल रहा है तो किसकी वजह से, अपनी गतिज ऊर्जा की वजह से। तो वही चीज यहाँ पूछा है कि गति के अनुरूप तेल में, कि अगर हमारा तेल गतिमान है, गति तेल हमारा बह रहा है, फ्लो में है, गति में, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। भाई द्रव गति में है तो गतिज ऊर्जा, अगर द्रव या तेल जो भी हो, और अगर तेल हमारा जगह स्थिर है तो किस वजह से स्थिर है? तो अपने स्टैटिक एनर्जी की वजह से, स्थिति ऊर्जा की वजह से। हीट एनर्जी का मतलब क्या है कि जब उसको गर्म करोगे तो जिस वजह से अपना हीट ट्रांसफर करता है तो उसका हीट एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा ना, इससे जुड़ जाए होती है आपकी। तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? देखिए क्या पूछ रहा है, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रण करती है? देखिए प्रवाह को नियंत्रित करती है क्या, हमारा विस्कोसिटी। क्या विस्कोसिटी? श्यानता। श्यानता से मतलब एक तरह से होता है, अगर आप सीधे शब्दों में ऐसे नॉर्मली समझना चाहें तो श्यानता का मतलब है तेल के गाढ़ेपन से। तेल जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, तेल जितना ज्यादा पतला होगा उसकी श्यानता उतनी कम होगी। जो श्यानता से मतलब है ना, जब हमारे कोई द्रव होते हैं ना, वह द्रव या फिर तेल है तो कई परतों में फ्लो करता है, तो जब एक परत होती है सबसे ऊपर है फिर नीचे है, नीचे जैसे जितना नीचे जाते जाएंगे तेल का परत का नीचे का वो क्या गति कम होती जाएगी। जो आपका समुद्र में पानी बहता है ना, ऊपर की लहर सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाएंगे तो उसका फ्लो कम होता जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो पानी है या तेल है वो कई परतों में फ्लो करता है और हर एक निचली वाली परत ऊपरी वाली परत का विरोध करती है। जैसे ऊपर वाली परत जा रही है तो निचली वाली उसे रोकने की कोशिश करेगी, उसके नीचे वाली इसको रोकने की कोशिश करेगी, उसके नीचे वाली इसको रोकने की, तो हमेशा धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और बिल्कुल नीचे लेवल पर जाने पर वो शून्य हो जाएगा। तो ऊपर की स्पीड सबसे ज्यादा, नीचे की स्पीड सबसे कम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारे परत की स्पीड कम होती जाती है। तो यह जो इसको रोकने का कोशिश करता है, जो घर्षण लगता है, इसी को हम लोग श्यानता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा अगर कोई गाढ़ा तेल है, गाढ़ा तेल होगा तो वह क्या होगा, वह धीरे धीरे फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। लेकिन अगर वहीं पे पतला तेल है तो वह क्या होगा, वह तेजी से फ्लो करेगा, मतलब अधिक तेजी से बहेगा। भाई पतला तेल है तो ज्यादा बहेगा, थोड़ा सा गिराएंगे पूरा एरिया पे तेजी से फैल जाएगा। गाढ़ा तेल है किसी जगह गिराएंगे तो हल्का सा फैलेगा, ज्यादा नहीं फैलेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि गाढ़ा का मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, मतलब अगर विस्कोसिटी ज्यादा है किसी भी तेल का तो वह गाढ़ा होगा तो वह कम फैलेगा, अगर उसका विस्कोसिटी कम है तो वह पतला होगा तो मतलब वह तेजी से फैलेगा। तो तेल तेजी से प्रवाह करेगा या धीरे धीरे प्रवाह करेगा किस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। ऑयलनेस क्या है, तैलीयता। देखिए जब दो पार्ट आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में हमारा लुब्रिकेटिंग किया जाता है, तो दोनों पार्ट के बीच में हमारा क्या कहते हैं उसको, चिकनापन, चिपचिपापन, कि दोनों पार्ट के बीच में चिपचिपापन बना रहा है, मतलब तेल में कितना अधिक चिपचिपापन है। भाई तेल जितना ज्यादा चिपचिपापन होगा उतना बढ़िया लुब्रिकेटिंग करेगा, तो तेल में जो चिपचिपापन होता है उसी को ऑयलनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोर पॉइंट क्या है, तो कोई भी तेल जिस निम्नतम ताप पे फ्लो कर सकता है, निम्न ताप पर कोई भी तेल जिस निम्न ताप पर बहने की क्षमता रखता है, कोई भी तेल जिस निम्नतम ताप पर बहने की क्षमता रखता है वही उसका पोर पॉइंट होता है। जैसे कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई मतलब ठंडी जगह है, फ्रिज वाली जगह, रेफ्रिजरेटर वगैरह की फैक्ट्री है, तो ऐसी जगह हमें ऐसा ऑयल चाहिए होता है जो कम ताप पर भी फ्लो कर सके। नहीं नॉर्मल तेल रहेगा तो फिर क्या होगा, भाई रेफ्रिजरेटर वाली मशीनें हैं वहां पे जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होगा तो तेल जम जाएगा, फ्लो ही नहीं करेगा, तो लुब्रिकेटिंग कैसे करेगा। तो इसलिए ऐसी जगहों पे हमें ऐसे तेल की जरूरत होती है जिसका पोर पॉइंट न्यूनतम हो, मतलब वो कम टेम्परेचर पे भी बह सके, जमे ना। फ्लैश पॉइंट, तो तेल हमारा जिस टेम्परेचर पे वाष्प में बदलना, अगर भाई तेल ज्यादा गर्म होगा तो वह वाष्प बन के उड़ने लगेगा, तो जिस टेम्परेचर पे तेल हमारा वाष्प बन के उड़ने लगता है उसी को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है तरल पदार्थ से धूल, चिप्स, अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? भाई अगर हमारा तरल पदार्थ है, द्रव है या तेल है, तो उसमें धूल है, चिप्स है या अन्य बाहरी कण जो है, शुद्धि वगैरह है, तो उन्हें हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? फिल्टर। सीधी सी बात, भाई फिल्टर ही तो छानेगा तेल को, पानी को फिल्टर ही छान करके उसमें जो भी दूषित कण है, जो धूल मिट्टी है, चिप्स है, उनको बाहर निकाल करके और फिर तेल को आगे फ्रेश जाने देगा, तो क्या होगा, वह फिल्टर होगा। बिल्कुल आसान चीज है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर भी ले रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जिसमें तेल या पानी को रखा जाएगा, मतलब इस रिजर्वायर में हमारा तेल भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है,
पंप जो है रिजर्वायर से तेल को खींच के से अपना हमारे सिस्टम में भेजेगा। तो जो पंप है तेल को जब खींचेगा तो तेल में से गंदगी पंप के अंदर ना चली जाए, इसीलिए पंप से पहले एक फिल्टर लगा देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन फिल्टर, यानी क्या होगा, इसीलिए क्या रिजर्वायर के जस्ट ऊपर सक्शन फिल्टर फिर पंप लगाते हैं। पंप के इनपुट पे हमने क्या लगा दिया, सक्शन फिल्टर लगा दिया। अब जब पंप तेल को खींचेगा तो यह तेल रिजर्वायर से पहले सक्शन फिल्टर में जाएगा। सक्शन फिल्टर क्या करेगा, तेल में जो भी कण वगैरह है, धूल चिप्स है, उन्हें क्या करेगा, फिल्टर उन्हें रोक लेगा, उन्हें छान देगा और फिर अच्छा शुद्ध तेल पंप में जाने देगा। पंप फिर उसे क्या करेगा, आगे लाइन में भेजेगा या दाब फिल्टर से गुजरता हुआ, यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटर लगा होता है, यहां से गुजरता हुआ वाल के पास जाएगा, वाल यहाँ से इसको एक्चुएटर में भेज देगा, एक्चुएटर में या पिस्टन को अपना गति देगा, फिर इधर से वापस आकर के फिर हमारा क्या होता है, रिजर्वायर में आ जाता है। देखिए इधर से वापस आएगा, यहाँ से आकर के फिर से रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाता है। रिटर्न लाइन फिल्टर देखिए लिखा हुआ, रिटर्न लाइन में भी हम फिल्टर लगा देते हैं जिससे कि जब यहाँ से एक बार तेल जो है यहाँ से छन करके पंप में गया, पंप ने इसे यहाँ पे भेजा, तो भाई जब दाब फिल्टर वाल्व एक्चुएटर से गुजरेगा तो इनके अंदर कुछ गंदगी होगी जो तेल के साथ मिक्स हो जाएंगी, फिर जब वापस आएगा अगर वह गंदगी हमारा फिर तेल में रिजर्वायर में चला जाएगा तो फिर सक्शन फिल्टर को छालना होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, रिजर्वायर में जाने से पहले ही हम लोग एक रिटर्न लाइन सक्शन लगा देते हैं ना, रिटर्न लाइन फिल्टर लगा देते हैं कि जो भी हमारा या जो हमारे सिस्टम में था उसमें जो गंदगी हमारे तेल में आ गई हो यहाँ छन जाए और वह फिर शुद्ध तेल हमारा रिजर्वायर में चला जाए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पंप से यहाँ पे हमारा जाता है ना तेल जाता है तो अगर मान लीजिए उसका प्रेशर ज्यादा हो तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है कि अगर इस सिस्टम में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करेगा, उस ऑयल को टैंक में भेज देगा। देख रहे हैं यहाँ टैंक में आ जा रहा है। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है कि अगर हमारे सिस्टम प्रणाली में हमने पंप से जो प्रेशर भेजा, अगर हमारे यहाँ देखिए दाब फिल्टर लगा हुआ, दाब फिल्टर क्या करेगा यहाँ से वो फिल्टर होकर के प्रेशर को जाने देगा, तो अगर प्रेशर ज्यादा हो गया हमारा सिस्टम में तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा तेल है उस तेल को यहाँ पे देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, तो अगर हमारे सिस्टम में जो अत्यधिक तेल आ जाएगा उस तेल को क्या होगा, जो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है उस तेल को फिर वापस से यहाँ से ले आएगा और उसे टैंक में वापस या रिजर्वायर में, देखिए यहाँ से अगर इस सिस्टम में अधिक प्रेशर हो गया है, तेल ज्यादा मात्रा में पहुंच गया है तो जो एक्स्ट्रा तेल का दाब है उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व उस तेल को वापस ले आकर के इस रिजर्वायर में डाल देगा, टैंक में डाल देगा आपका। ठीक है, और यहां से जब आगे निकलेगा तेल तो देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर का मतलब होता है संचित करने वाला, क्या होता है संचित करने वाला, ध्यान रखिएगा बस यही वर्ड जानना है आपको, एक्यूमुलेटर और एक्चुएटर दोनों में, एक्चुएटर का मतलब है गति देने वाला, ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे तभी काम बनेगा आपका। ठीक है, एक्चुएटर गति देने वाला, एक्यूमुलेटर संचित करने वाला। संचित करने वाले का मतलब है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे हमें जो भी यहाँ एक्चुएटर को हमें प्रेशर देना है, यहाँ से पंप के द्वारा प्रेशर कम ज्यादा होता रहे कि एक्चुएटर को हमेशा एक बराबर प्रेशर मिले, मतलब हमारा जो वाल्व है वाल्व के पास हमेशा हमें क्या एक बराबर प्रेशर मिले, नहीं तो पता चला कभी ये तेजी से आगे जाएगा कभी धीरे धीरे आगे जाएगा, हमारा जो पिस्टन और सिलेंडर लगा हुआ है यहाँ पे दाब मिलेगा, पिस्टन आगे को फॉरवर्ड गति में जाएगा, तो बराबर एक समान प्रेशर, भाई इनपुट पे भले ही प्रेशर कुछ हो लेकिन वाल्व के आउटपुट पे जो प्रेशर हो इधर हमारा एक समान बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगाया जाता है। संचित करने वाले का मतलब है कि जो कुछ अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्स्ट्रा तेल आ गया, एक्स्ट्रा दाब आ गया, तो वह कुछ दाब इसमें भी इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे तेल हमारा यहाँ ऊपर चढ़ करके इसमें इकट्ठा हो जाएगा, अगर लाइन में जब हमारा एक्स्ट्रा दाब आएगी तो वह दाब कहाँ एक्यूमुलेटर संचित करने वाला, तो एक्यूमुलेटर जो है उसे इकट्ठा कर लेगा और फिर नॉर्मल यहाँ पे दाब एक बराबर जाएगा, और अगर मान लीजिए किसी वजह से तेल कम आया हमारे लाइन में यहाँ पे दाब कम पड़ गया तो जो एक्यूमुलेटर जो था जो दाब यहाँ पे तेल को इकट्ठा कर रखा था वो क्या करेगा, अब अगर यहाँ जब इसे कम पड़ेगा तो यह जो इकट्ठा कर रखा था ज्यादा होने पर उसको यहाँ पे इसके इसके साथ मिला करके दे देगा, तो फिर इसका प्रेशर फिर बराबर बना रहेगा, मतलब जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यह अपने अंदर संचित कर लेगा, जब कम पड़ेगा तो यह यहाँ से दे देगा कि लो भाई इसको लो और पहले की तरह अपना प्रेशर बराबर बनाए रखो, तो इस तरह से हमारा प्रेशर यहाँ पे हमेशा बराबर बना होता है, कम ज्यादा नहीं होता है, एक्यूमुलेटर प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है। तो समझ में आया एक्यूमुलेटर क्या है, उसका एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर गति देने वाला, एक्चुएटर मतलब सिलेंडर और पिस्टन हो गए, जो भी तेल का यहां दाब पड़ेगा या क्या करेगा पिस्टन को देगा, पिस्टन आगे जो इसके साथ लोड जुड़ा होगा उसको देगा, उसके उसमें स्पीड आएगी आगे फॉरवर्ड और रिटर्न में आएगा। ठीक है, एक चीज और हमें यहां पे ध्यान देना है कि देखिए पंप ने क्या किया, पंप चलेगा, पंप के अंदर क्या है भाई, पंप मैकेनिकल पार्ट होगा, मैकेनिकल पार्ट घूमेगा, तो पंप ने क्या किया मैकेनिकल एनर्जी लिया तो यहाँ तेल को खींचा, तो तेल को क्या किया,
तेल को प्रेशर के रूप में आगे भेज दिया, मतलब पंप की जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किसमें बदल गई, वो बदल गई हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी में, क्योंकि उसने तेल को अपना एनर्जी दे दिया। पंप घुमा तो अपना प्रेशर किसको, पंप घूम करके तेल को प्रेशर दे करके उसे आगे भेजा, तो मतलब पंप ने अपना मैकेनिकल एनर्जी तेल को दे दिया। अब तेल में क्या हाइड्रोलिक एनर्जी आएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी वाल्व से होकर यहां पिस्टन के पास जाएगी, तो हाइड्रोलिक एनर्जी ने क्या किया, पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन आगे मूव कर गया, फिर मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पंप ने इस ऑयल के हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल, सॉरी पंप ने क्या किया, अपने मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल करके भेज दिया, फिर हाइड्रोलिक एनर्जी जब आकर के यहां पिस्टन से टकराई तो या फिर दोबारा पिस्टन को आगे मूव कर दे, तो जो तेल का हाइड्रोलिक एनर्जी था वो दोबारा फिर किसमें बदल गया, मैकेनिकल एनर्जी में। तो पंप ने पहले क्या किया भाई, फिर से सुनना, पंप ने पहले मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में बदला, तेल को दे दिया तो तेल अपना प्रेशर लेकर गया यहाँ हाइड्रोलिक वाला, हाइड्रोलिक वाला जब यहाँ पिस्टन पे प्रेशर डाला तो पिस्टन आगे मूव कर गया तो मैकेनिकल में बदल गया, तो हाइड्रोलिक एनर्जी किसमें बदल गया, मैकेनिकल में बदल गया। तो ये चीजें हो गई। एक्यूमुलेटर क्या है, तो समझ में आ गया होगा, एक्यूमुलेटर क्या है कि जो एक्स्ट्रा भाई दाब होता है उसको संचित कर लेता है, जो कम लाइन में प्रेशर कम पड़ता है तो यहां से दे देता है कि लाइन का प्रेशर हमेशा एक समान बना रहे। रेगुलेटर क्या है, तो देखिए रेगुलेटर का काम होता है रेगुलेट करना, एक तरह से ना प्रेशर को रेगुलेट करना, बराबर बनाए रखना एक तरह से। चलिए तो यहाँ फिल्टर सही हो गया। देखिए प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व या रेगुलेटर वाल्व वही है, प्रेशर रेगुलेटिंग का मतलब प्रेशर को रेगुलेट करना, जो हमारे लाइन में जो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर बन रहा है उसको बराबर बनाए रखे, रेगुलेट किए। आगे आकर देखिए विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व को उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग पहले भी बात कर रखे हैं सोलेनाइड वाल्व। सोलेनाइड वाल्व क्या करता था कि सोलेनाइड वाल्व जो हमारा इलेक्ट्रिकली एक्चुएट किया जाता है, जब हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है तो न्यूमेटिक वाल्व मैनुअली चलते हैं, तो न्यूमेटिक वाल्व और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बीच में, भाई हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे और न्यूमेटिक वाल्व खुल जाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने दिया न्यूमेटिक वाल्व बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक वाले कंडीशन में ना, जब हम उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल ले रहे हैं और न्यूमेटिक वाला काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल से हम उसे ऑन ऑफ कर ले रहे हैं न्यूमेटिक वाले को, तो न्यूमेटिक वाल्व इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझ सके इसके लिए उनके बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, सोलेनाइड वाल्व। सोलेनाइड वाल्व क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब दिया जाता है तो सोलेनाइड वाल्व उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को आपका क्या करता है, न्यूमेटिक सिग्नल में बदल देता है और वहां से हमारा न्यूमेटिक वाल्व एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा सोलेनाइड ही होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को न्यूमेटिक में बदलने का काम करता है, उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सोलेनाइड वाल्व। यहाँ पे देखिए दे रखा है यह दोनों फिगर सोलेनाइड वाल्व का है, यह देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शनल है और ये हमारा सोलेनाइड, यहाँ पे देख लिया ना सोलेनाइड है हमारा। यहाँ पे देखिए इसमें वाल्व बंद है, तो क्या होगा जब यह वाल्व बंद है तो यह दो वाला हमारा तीन नंबर से कनेक्ट है और यह वाला इधर बंद है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकली यहाँ पे सिग्नल देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यह क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे देखिए कॉइल है, कॉइल हमारा आर्मेचर जो केंद्र की ओर खींच जाता है, जब खींचेगा तो ऊपर को उड़ जाएगा, देखिए खींच करके ऊपर चला गया, अब दो नंबर हमारा एक नंबर से जुड़ गया, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब एक से दो में हमारा प्रभाव होने लगेगा, ये सोलेनाइड हो गया। रोलर वाल्व क्या है, तो देखिए भाई यह रोलर वाल्व है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया, देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा रोलर जैसा यहाँ ऊपर बना हुआ है, ये हमारा क्या है, रोलर वाल्व है। ऊपर देखिए यहाँ पे रोलर जैसा बना हुआ है, रोलर वाल्व है। रोलर वाल्व का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में, ऑटोमेटिक सिस्टम जो मशीन में होता है ना, तो मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में जो होता है हम लोग रोलर वाल्व यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम में, वो भी मैकेनिकल पोजिशन का पता लगाने के लिए, मैकेनिकल पोजिशन को सेंस करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, रोलर वाल्व कहाँ यूज किया जाता है, मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में। कहाँ यूज करते हैं, मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में, किस लिए यूज करते हैं, तो यह पता लगाता है मैकेनिकल पोजीशन का, मैकेनिकल पोजीशन, पोजीशन सेंस करने के लिए। ठीक है, बाकी फ्लो कंट्रोल वाल्व, देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है, यह स्पीड को, मतलब जो हमारा पिस्टन के साथ जो हमारा लोड लगा होता है उस लोड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फ्लो कंट्रोल वाल्व दिखाया गया, वो भी वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, यह भी हमारा क्या है, एक तरह का फ्लो कंट्रोल वाल्व है। कौन सा वाला है, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व है हमारा। इसमें नीडल वाला भी फ्लो कंट्रोल वाल्व आता है ना, इसे वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। जब हमारा नीडल जितना छिद्र के नजदीक रहती है उतना ही कम हमारा फ्लो होता है, जितना वो छिद्र से दूर जाती है उतना ही ज्यादा फ्लो होता है, तो उसे वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, जिसमें हमारा नीडल वाला दिया होता है। यह वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जिसमें देखिए एक ही तरफ से फ्लो होगा, जब इधर से इधर जा रहा था, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग के प्रभाव में वाल्व इससे बंद हो जाता, नहीं होगा, लेकिन जब हम इधर से इधर ऑयल आएगा जिस पे प्रेशर
पड़ेगा तो फिर यह क्या होगा, वाल उठ करके पीछे, या बॉल उठ स्प्रिंग दबेगी, बॉल पीछे हट जाएगी और फिर इधर से वाल वाकर के इधर से प्रवाहित होने लगेगा। तो ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो ये वाला फिगर देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व का, यहाँ पे पोपेट लगा होता है। जब यहाँ पे सिस्टम में जब प्रेशर ज्यादा हो, मैंने बताया ना प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करेगा, जब सिस्टम में प्रेशर ज्यादा होता है तो उस प्रेशर को क्या होता है, वो दोबारा जो ऑयल हमारा एक्स्ट्रा है, जो प्रेशर उत्पन्न कर रहा है, उस एक्स्ट्रा ऑयल को वो दोबारा से टैंक में वापस रिजर्वायर में या टैंक में वापस भेज देता है। जैसे मान लीजिए सिस्टम में हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होगा, जब हमारे सिस्टम में क्या होगा प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा, तो जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ भी प्रेशर पड़ेगा, तो यह जितना सिस्टम में प्रेशर होना चाहिए उतने हिसाब से स्प्रिंग सेट की गई होती है। अगर सिस्टम से ज्यादा प्रेशर हुआ तो यह स्पूल पे प्रेशर पड़ेगा और यह स्प्रिंग दब जाएगी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा यह स्प्रिंग पीछे को दब जाएगी और हमारा जो ऑयल होगा वह यहाँ से निकल करके यहाँ से देखिए टी लिखा हुआ, मतलब यह टैंक में चला जाएगा, ऑयल यहाँ सिस्टम जाएगा, कहां चला जाएगा, टैंक में चला जाएगा, और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा फिर स्प्रिंग दबा देगी, फिर स्पूल बंद हो जाएगा, तेल यहां आना बंद हो जाएगा। यह प्रेशर रिलीफ वाल्व में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा मशीन ऑटोमेशन में, देखिए ये चीज अभी मैं आपको बता रहा था कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए यांत्रिक वाल्व उपयोग किया जाता है। कौन सा वाल्व उपयोग करते हैं भाई, रोलर वाल्व। कौन सा वाल्व, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया रोलर वाल्व, ऑप्शन ए वाला है आपका, ठीक है, यही हमारा रोलर वाल्व का ऑप्शन है, सॉरी फिगर है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में अभी हमने बात किया कि जब हमारे सिस्टम में क्या हो, जब प्रेशर ज्यादा हो जाए हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में क्या हो प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो ऑयल होगा एक्स्ट्रा ऑयल वो यहाँ पे आता है, इसको दबाता है या पीछे हट जाएगा पोपर, और यहाँ से क्या होगा ऑयल हमारा दोबारा टैंक में चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको टैंक में भेज दिया जाएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व की मदद से। फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या है, तो देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व का, वो भी वन वे, मैंने बताया ना जब वन वे डायरेक्शन वाला फ्लो कंट्रोल वाल्व है। पीछे के क्वेश्चन में मैंने दूसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व दिखाया था, वह वेरिएबल टाइप वाला फ्लो कंट्रोल वाल्व था, जब वन वे डायरेक्शन वाला फ्लो कंट्रोल वाल्व, दोनों फ्लो कंट्रोल वाल्व थे, ठीक है। स्पीड वगैरह को जो लोड के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्शनल वाला वाल्व, तो यह देखिए डायरेक्शनल वाला है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, देखिए जो प्रेशर वाल्व होता है ना उसको एकल वर्ग के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि जो डायरेक्शनल वाल्व होते हैं इसे दो वर्ग के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें पोर्ट के हिसाब से, देखिए इसमें एक वर्ग में पोर्ट गिनते हैं, एक दो टू बाई टू वे पोर्ट हो गया, थ्री पोर्ट वाला होता है, फोर पोर्ट वाला होता है, अलग लगाते हैं। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं जो दिशा को कंट्रोल करते हैं, या फिर स्पेशली कह लिए द्रव के बहने की दिशा को, यह भी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, द्रव के बहने की दिशा को कंट्रोल करना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का काम है। या फिर दूसरा काम इसका यह भी है कि द्रव के बहने की, द्रव के बहाव की शुरुआत व बंद करना, बहाव की शुरुआत, बहाव की शुरुआत व बंद करना भी इसी का काम है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का। यह कह लीजिए पिस्टन का फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में आएगा, यह भी यही डिसाइड करता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में, देखिए जो वाल्व आ रहे हैं ना, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये सब, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में, सब मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। देखिए यही तो मैं आपको बता रहा था बार बार कि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जब उसमें तेल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सिस्टम में प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा, तो जो अधिक प्रेशर बढ़ गया मतलब तेल की मात्रा ज्यादा होगी, जो अतिरिक्त तेल आ गया उसे दोबारा टैंक में भेजा जाता है, किसकी मदद से भेजा जाता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व की मदद से। यही मैं कब से तो आपसे बता रहा था कि ये प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, ये हमारा मान लीजिए हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की मात्रा ज्यादा हुई, उसी के साथ वाल्व जुड़ा होता है, जैसे तेल की मात्रा ज्यादा हुई मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा इधर भी तेल की मात्रा, भाई द्रव सभी दिशाओं में समान दब लगाता है, तो इधर भी तेल की मात्रा ज्यादा हुई तो प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा यह स्पूल वाल्व हमारा पीछे को खिसक जाएगा, क्या होगा यह हमारा पीछे को खिसक जाएगा, पीछे खिसक जाएगा तेल यहां से आएगा दोबारा वापस टैंक में चला जाएगा। तो वही है कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए या दोबारा टैंक में भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। प्रेशर देखिए तीनों प्रेशर वाल्व के ही टाइप है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, ये तीनों वाल्व क्या है, प्रेशर वाल्व के टाइप है। जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है वह कौन सा, देखिए उसे पहचानेंगे, ये टू वे वाल्व होता है। देखिए इसमें क्या है, एक एक रास्ता, दो दो पोर्ट है ना, तो टू वे वाल्व है हमारा और दो ही पोजिशन भी है। और क्या है हमारा, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, तो प्रेशर रेगुलेटर वाल्व कैसे पहचानेंगे, देखिए ये थ्री वे वाल्व होता है, देखिए यहाँ पे एक दो तीन पोर्ट भी है, तीन वाला पोर्ट है तो फिर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, दो पोर्ट है हमारा तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या होगा, देखिए प्रेशर को रिड्यूस करता है,
आउटलेट पे हमारा प्रेशर कम पड़ना चाहिए। जब ज्यादा प्रेशर होता है ना तो यह जो हमारा स्पूल है थोड़ा दाहिनी तरफ खिसक जाता है। जब दाहिनी तरफ खिसकेगा तो जो प्रेशर पोर्ट है इसकी यहां तक आ जाएगा खिसक करके, तो प्रेशर पोर्ट का क्या होगा, थोड़ा सकरा हो जाएगा, तो कम यहाँ पे ऑयल जाएगा, कम ऑयल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए तो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है कौन, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होता है या थ्री वे वाल्व होता है, या एक तरह से प्रेशर रिलीफ वाल्व और टू वे वाल्व, मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व दोनों को मिला करके बनाया जाता है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए अभी क्या है भाई, ये पी है, देखिए ये है, ए से टी में आ रहा, पहले क्या होता है पी से ए में जा रहा होता है, पी से कहां जाता है ए में, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो पीछे दाहिनी तरफ खिसक जाता है तो हमारा पी वाला पोर्ट बंद हो जाता है, फिर हमारा ए से टी में आना शुरू, मतलब जो भी आउटपुट में जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वह क्या होगा, ए से फिर दोबारा टी में, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह ए से क्या होगा दोबारा टैंक में आना स्टार्ट कर देगा। तो यह प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होता है। रोलर वाल्व, तो ये वाला फिगर रोलर वाल्व कहां यूज होता है, मैंने आपको बताया ऑटोमेशन सिस्टम में जो हमारा प्रणाली है उसमें कहां यूज करते हैं हम लोग, इसी रोलर वाल्व को यूज करते हैं मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व और फिस आर रिस्ट्रिक्टर, इंग्लिश देखिए विच वाल्व इज एन और फिस आर रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, किसमें होता है, देखिए वो वाला मैंने लिया नहीं यहाँ पे, देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व में होता है, वो भी कौन से वाले में, जो नीडल वाला होता है ना, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे और फिस और रिस्ट्रिक्टर, ठीक है किसमें होगा हमारा, फ्लो कंट्रोल वाल्व में होगा, जो यह है ना वन वे वाला है, कौन सा है वन वे वाला है, तो इसमें वन वे वाला है, इसी में हमारा क्या होता है ऑर्फिस, ऑर्फिस का मतलब छिद्र, छिद्र को ऑर्फिस कहते हैं, जो नीडल वाला होता है, नीडल वाले में ज्यादा समझ में आता है उसका मैंने फिगर लिया नहीं है, जो नीडल वाला हमारा होता है जैसे वेरिएबल फ्लो कंट्रोल, यह वन वे फ्लो कंट्रोल वाला है, वेरिएबल वाले में नीडल लगा होता है, जब नीडल हमारा होल के नजदीक होता है तो कम फ्लो जाता है, कम प्रेशर से हमारा अंदर हो जाता है, जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा होल खुलता जाएगा और उतना ज्यादा प्रेशर से हमारा अंदर हो जाएगा, तो उसी में हमारा क्या ऑर्फिस होता है, उसी में रिस्ट्रिक्टर लगा होता है, रिस्ट्रिक्टर का काम कौन करता है, तो वही नीडल करती है, रिस्ट्रिक्टर मतलब प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना, तो जितना ज्यादा वह होल के नजदीक होगी हमारी नीडल वो उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, निकलने नहीं देगी द्रव को या तेल को, और जितना ज्यादा वह दूर होगी उतना ज्यादा तेल निकलेगा, तो रिस्ट्रिक्टर का काम कौन करता है, नीडल करती है, ऑर्फिस मतलब छिद्र से मतलब है, तो यह किसमें होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व में होता है। चेक वाल को नॉन रिटर्न वाल भी कहते हैं, यह वाला जो फिगर है देखिए स्प्रिंग टाइप वाला चेक वाला नॉन रिटर्न वाल, मतलब एक ही दिशा में आने देगा वापस नहीं जाने देगा, यह क्या हो जाता है हमारा चेक वाल हो जाता है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल की बात हो चुकी है हम लोगों की, जो कंट्रोल करता है द्रव के बहने की दिशा को, या फिर कह लीजिए आपका द्रव का बहना शुरुआत होगा वो बंद होगा वो भी यही डिसाइड करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल, दो वर्ग के द्वारा दिखाते हैं जनरली। प्रेशर वाल देखिए प्रेशर वाल का फिगर है, प्रेशर वाल में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल हम लोगों ने देखा था, ठीक है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व था, प्रेशर रिलीफ वाल्व था, तीनों प्रेशर वाल्व के टाइप होते हैं। अगला कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बताता है, कौन सा उपकरण है, देखिए ध्यान दीजिएगा विच डिवाइस इनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, कौन सा उपकरण होता है जो तेल की विभिन्न प्रवाह दर को बताता है, देखिए ऑर्फिस या फिर रिस्ट्रिक्शन फ्लो, यह दोनों तो किसके हो गए, यह तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के पार्ट हो गए ना, आरपी और रिस्ट्रिक्शन फ्लो किसमें हो गए हमारे, यह फ्लो कंट्रोल वाल्व के पार्ट हो गए, फ्लो कंट्रोल वाल्व के हो गए, ठीक है। प्रेशर वाल्व या प्रेशर को रिलीज भाई प्रेशर वाले के लिए ना, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होगा ना, जबकि यहां पे बोल रहा है कि विच डिवाइस इनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, कि मतलब तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, किसकी वजह से तेल को हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रवाह दर पे फ्लो रेट को बना सकते हैं, तो वह हमारा होता है क्या थ्रॉटल वाल्व, इसकी मदद से जो थ्रॉटल वाल्व होता है ना, इसकी मदद से हम लोग प्रवाह की दर को अलग अलग बना सकते हैं, किसकी वजह से थ्रॉटल वाल्व की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या, व्हाट इज द पीरियोडिक ऑयल ड्रेन, भाई पीरियोडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर से पीरियोडिक मतलब एक जो ऑयल को ड्रेन किया जाता है वो कितने समय पे किया जाना चाहिए, कंप्रेसर से हम एक निश्चित समय पे बार बार ऑयल को ड्रेन करते रहते हैं, तो वही कह रहा है कि जो कंप्रेसर से ऑयल को ड्रेन किया जाता है वो किस हिसाब से किया जाता है ना, किस पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब किस हिसाब से किया जाता है, तो वह किया जाता है हमारा क्या हफ्ते में एक बार, वंस इन ए वीक, याद रखेगा कि कंप्रेसर से पीरियोडिक ऑयल का जो हमारा ड्रेन होता है वह हफ्ते में एक बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, देखिए जो मैकेनिकल फिल्टर होता है हमारा ना, ये बड़े कण वगैरह के मतलब बड़े बड़े कण वगैरह को फंसाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैकेनिकल फिल्टर का यूज करते हैं, मैकेनिकल फिल्टर को स्ट्रेनर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रेनर भी बोलते हैं, यह जो फिगर है आपका मैकेनिकल फिल्टर है, इसमें क्या होता है मैकेनिकल फिल्टर में यह जाली होती है, एक लोहे की जाली बनी होती है, ऐसे बड़े बड़े छिद्र होते हैं और इसमें से हमारा
तेल को या द्रव को गुजारा जाता है तो उसमें जो बड़े कण रहेंगे वो इसके द्वारा छन करके बाहर रुक जाते हैं। यहाँ सीन करेंगे तो जो तेल में बड़े बड़े कण होंगे यहाँ जाली की इस पर रह जाएंगे और हमारा तेल छन करके उस पर चला जाएगा। तो मैकेनिकल फिल्टर होता है। एब्सॉर्बेंट फिल्टर, तो जो ये वाला फिगर है हमारा ना, ये एब्सॉर्बेंट फिल्टर का यही जो फिल्टर होता है हमारा, ये यूज किसके लिए होता है, ये जो एब्सॉर्बेंट फिल्टर देखिए यहाँ से इन हुआ, इससे छनते हुए हमारा यहाँ से आउट हो जाएगा। तो जो विशेष पदार्थ होते हैं हमारे ना, देखिए इस टाइप ऑफ फिल्टर यूज फॉर टाइपिंग वेरियस साइज ऑफ पर्टिकुलर मैटर, मतलब विभिन्न आकार के विभिन्न साइज के विशेष पदार्थों को फटाने के लिए, अलग अलग साइज के, यहाँ पे मैंने बड़े साइज की बात किया, जब विभिन्न साइज के विशेष पदार्थ को फटाने की बात आएगी तो वहां पे एब्सॉर्बेंट फिल्टर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फिल्टर, नाम से ही पता चल रहा, मैग्नेटिक फिल्टर मतलब जब हमें तेल में से या द्रव में से, हमें ऑयल में से मैग्नेटिक पार्टों को अलग करना हो, अगर उस तेल में या द्रव में हमारे क्या हो, लोहे के टुकड़े वगैरह मिले हुए हो, उन्हें हमें उस तेल में से बाहर निकालना है, तो वहां पे मैग्नेटिक फिल्टर यूज करते हैं। मैग्नेटिक फिल्टर का फिगर यह वाला है। तो मैग्नेटिक फिल्टर क्या करेगा, तेल में जो लोहे के कण वगैरह है ऐसे अशुद्धियों को अपने में चिपका लेगा और फिर हमारे ऑयल को जाने देगा। सक्शन फिल्टर जो लास्ट वाला है, तो देखिए यह जो सक्शन फिल्टर है ना, इसका फिगर बिल्कुल लास्ट पे है। यह हमारा क्या सक्शन फिल्टर का फिगर है। यहाँ देखिए सक्शन फिल्टर मैंने आपको बताया था कि जो पंप है हमारा, पंप हमारा जहां सक्शन करता है, या रिजर्वायर है जिसमें तेल भरा होता है, तो तेल हमारा पंप डायरेक्ट अगर खींचता तो इसमें तेल की गंदगी भी पंप के अंदर चली जाती है, पंप भी खराब होता, प्लस वो गंदगी फिर सिस्टम के अंदर जाती तो सिस्टम भी खराब होता। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हमारा पंप है, पंप के इनलेट पोर्ट पे हम लोग क्या लगा देते हैं, स्ट्रेनर, या फिर कह लीजिए इसी को सक्शन फिल्टर बोलते हैं, कि पंप जहां से खींचता है चूसता है तेल को चूसड़ कहते हैं या फिर सक्शन कहते हैं, तो वहां पे हमने लगा दिया स्ट्रेनर। अब तेल जब जाएगा तो इस फिल्टर से हो करके जाएगा, अब फिल्टर से तेल छन करके जाएगा तो हमारा पंप भी खराब नहीं होगा और सिस्टम भी खराब नहीं होगा। यही हमारा क्या होता है, सक्शन फिल्टर होता है, क्योंकि उसके सक्शन पे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लव मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर तेल वगैरह में लव मटेरियल मिला हुआ है तो कैसे निकलेगा, चुंबक के द्वारा, चुंबक का मतलब मैग्नेटिक फिल्टर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। प्रेशर लाइन फिल्टर, ऑफलाइन फिल्टर है। देखिए एब्सॉर्बेंट फिल्टर की बात अभी हमने किया था, यह वाला फिगर है, जब क्या विभिन्न साइज के, विभिन्न साइज के विशेष प्रकार के पदार्थों के कणों को हमें रोकना हो तो एब्सॉर्बेंट फिल्टर, ठीक है। बाकी प्रेशर लाइन, ऑफलाइन फिल्टर, यह वाला देखिए फिगर ऑफलाइन फिल्टर का है। ऑफलाइन फिल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग वर्किंग लाइन में नहीं लगाते, इस फिल्टर को वर्किंग लाइन में नहीं लगाया जाता है, तो जो हमारा तेल वहां से जाता है ना सिस्टम में काम करने के बाद, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे टैंक में ना भेज करके बाहर भेज देते हैं, बाहर भेजा जाता है, फिर बाहर जो होता है हमारा ऑफलाइन फिल्टर बना होता है, ऑफलाइन फिल्टर उस तेल से, उस तेल को फिर अपने अंदर से गुजार करके फिर टैंक में भेजता है। तो चूंकि यह हमारे वर्किंग लाइन में यह फिल्टर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको ऑफलाइन फिल्टर बोलते हैं। प्रेशर लाइन फिल्टर, तो देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा प्रेशर लाइन फिल्टर का, किसका है, प्रेशर लाइन का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जब तेल हमारा जाता है सिस्टम में, तो जब मैंने आपको बताया कि कोई भी जब तेल हमारा सिस्टम में जाएगा तो देखिए यहाँ वाल्व से होके गुजरेगा, पिस्टन से होके गुजरेगा, वापस पाइपलाइन से आएगा, तो उस तेल में कुछ गंदगी मिल जाएगी। क्या होगी भाई, पिस्टन में वाल्व के अंदर से जब तेल होके गुजरेगा तो पार्ट वगैरह थोड़े बहुत घिसेंगे, कुछ कण होंगे जो तेल को थोड़ा दूषित कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो उस दूषित तेल को फिर से शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से तेल गया हमारा, यहाँ से इस लाइन में गया, देखिए तेल यहाँ से जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ देख रहा कि इधर से इधर चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ इसके अंदर इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इसको प्रेशर दिया, तो इसके पीछे जो तेल इकट्ठा थे इस पिस्टन के, या यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से देखिए इधर आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, अब यहाँ से क्या होगा, अब ये हमारे जाएगा कहाँ पे, इस फिल्टर में, क्योंकि जो भी हमारे इस वाल्व में या इस एक्यूमुलेटर मतलब पिस्टन वगैरह में जो तेल गया, तो इसमें जो दूषित हुआ तेल वो वापस आते समय इस फिल्टर से गुजर करके फिर रिजर्वायर में जाएगा, तो तेल हमारा शुद्ध हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर लाइन फिल्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है, कि अगर हमें हाइड्रोलिक ऑयल है उसमें हीट को ट्रांसफर करना है तो किस प्रॉपर्टीज की वजह से होगा, तो देखिए वो किस वजह से होगा, शियर स्टेबिलिटी, लो वोलेटिलिटी, लो फोमिंग टेंडेंसी, या फिर है गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। नाम से पता चल जा रहा होगा, गुड थर्मल कैपेसिटी, गुड थर्मल कैपेसिटी मतलब उसकी अच्छी थर्मल दक्षता है, क्षमता है, अच्छी गुड थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि वो तेल थर्मल को अच्छी तरीके से एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकता है, या कंडक्टिविटी भी लिखा हुआ ना,
चालकता, मतलब वो थर्मल के प्रति उसकी अच्छी चालकता है। तो इसी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होगा, हमारा जो तेल होगा वह हीट को ट्रांसफर, तेल में जो होता है गुड थर्मल कैपेसिटी और कंडक्टिविटी होती है, जिस वजह से वह हीट को आसानी से ट्रांसफर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाएगा भाई, क्या करना है, जो संदूषण मतलब जो गंदगी, विच डिवाइस इज यूज फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटेमिनेशन ऑन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल, मतलब जो संदूषण जो गंदगी है उसको देखना और उसको हटाना किसका काम है, फिल्टर का ही तो काम है, किसका काम है, फिल्टर तो गंदगी को हटाएगा, हाइड्रोलिक फिल्टर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्चुएटर क्या है, तो एक्चुएटर मतलब गति देने वाला है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा देखिए यहाँ पे आ गया, ज्यादा टाइम मिलेंगे। एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर इसी को तो एक्चुएटर कहते हैं, जो सिलेंडर और पिस्टन होता है इसको एक्चुएटर बोला जाता है, जो भी ऑयल आएगा ऑयल का प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा तो पिस्टन हमारा मूव करेगा, गति देगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक्चुएटर को गति देने वाला बोलते हैं। तो जो ऑयल का हाइड्रोलिक प्रेशर होगा वो यहाँ से मैकेनिकल में बदल जाएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगी। तो यह हमारा एक्चुएटर जो सिलेंडर पिस्टन होता है गति देता है, इससे हमारा लोड कनेक्ट होगा तो वो गति करेगा, तो फिर यही हमारा क्या कहलाता है, एक्चुएटर कहलाता है, और जो एक्स्ट्रा द्रव को यहाँ पे अपने अंदर संचित कर लेता है तो उसी को एक्युमुलेटर कहते हैं। ठीक है, एक्चुएटर क्लियर हो गया, वाल्व और रेगुलेटर, देखिए वाल्व वगैरह से यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व या फिर जो भी अलग से वाल्व लगे होते, तो वाल्व हो गया हमारा, और रेगुलेटर में भी वही है, रेगुलेट करना प्रेशर बराबर लाइन में बनाए रखना। तो क्लियर हुआ यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक फिल्टर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डबल एक्टिंग सिलेंडर के कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है, कि सिलेंडर से वायुमंडल में हवा ना जाए। तो देखिए ये डबल एक्टिंग सिलेंडर लिया गया है, एक बार इधर से इनपुट देते हैं, जब इधर से इनपुट देंगे तो इधर से आउटपुट होगा, जब इधर से इनपुट देंगे तो इधर से आउटपुट होगा, तो डबल एक्टिंग इसीलिए कह रहा है क्योंकि दोनों साइड हो रहा है। एक बार इधर से हम लोग देते हैं ऑयल को या द्रव को, एक बार इधर से इनपुट किया जाता है तो ऑयल या द्रव इधर से आउटपुट होता है, जब इधर से इनपुट करते हैं तो इधर से आउटपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, सारे पार्ट के नाम आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या है, ये हमारा पिस्टन है, क्या है हमारा पिस्टन, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना पिस्टन, और ये हमारे क्या है, ये पिस्टन रॉड हो गया हमारा, ये वाला जो पोर्शन है पिस्टन रॉड हो गया हमारा, और यह देखिए पिस्टन इंड है, इस वाले सिरे को क्या बोल रहा है, पिस्टन इंड बोल रहा है ये हमारा, और ये हमारा पिस्टन हो गया, यह पिस्टन रॉड हो गया, और यहाँ पे देखिए यही हमारा क्या किया गया, यह पिस्टन है तो पिस्टन की यहाँ पे देखिए सील किया गया है, यह हमारा क्या किया गया है, पिस्टन को सील किया गया, और यहाँ पे देखिए ये जो बारीक सा दिखाया गया, यह हमारा सिलेंडर है, यह देखिए रॉड का इंड है, और यह जो है रॉड को सील किया गया है, किसको, रॉड को सील किया गया, यह रॉड है ना, तो जैसे रॉड जाएगा आगे पीछे, तो यहाँ पे पूछा किसको, डबल एक्टिंग सिलेंडर कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है, कि हवा के रिसाव वायुमंडल में ना हो उसके, देखिए यहाँ पिस्टन सील इसलिए किया जाता है कि पिस्टन जब हमारा प्रेशर डालेगा तो यहाँ से पिस्टन अगर सील नहीं रहेगा तो जो इधर का ऑयल होगा क्या करेगा, जब इधर प्रेशर डालेगा तो यह ऑयल यहाँ से रिलीज करके वापस इधर सिलेंडर में आ जाएगा, तो पिस्टन को इसीलिए हम लोग करते हैं सील कि इसका जो ऑयल रिलीज करके इधर सिलेंडर में ना आ जाए, सिलेंडर में ना आ जाए, जबकि यहाँ बात कर रहा है क्या कि वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, एक बार फिर से देखते हैं, ऑयल की यहाँ बात नहीं करेगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को, एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर, देखिए एयर लीकेज की बात कर रहा है ना, एयर लीकेज की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है, मैं तब से ऑयल ऑयल बोल रहा था, हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, एयर लीकेज की बात कर रहा, हवा तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूमेटिक यूज किया जा रहा, तेल यूज किया जाता तो हाइड्रोलिक हो जाता, सिस्टम सेम ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने रॉड को यहाँ पे सील, देखिए पिस्टन रॉड था, रॉड को हमने सील कर दिया, रॉड को हमने सील क्यों किया, अगर रॉड सील नहीं रहेगा तो जब यहाँ से दबाया जाएगा ना तो जो हमारे, या तो यहाँ से जब एयर भेजा जाएगा, एयर भेजेंगे क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा तो पिस्टन हमारा आगे को मूव करेगा, बैकवर्ड में जाएगा एक तरह से, जब यहाँ पे इनपुट दिया, अगर यहाँ पे पिस्टन रॉड को सील नहीं करेंगे तो जो हवा का प्रेशर होगा क्या होगा, रॉड सील नहीं किया गया होगा तो यहाँ से वायु हमारी लीक करके बाहर वायुमंडल में चली जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रॉड होती है रॉड के बगल में हम लोग रॉड को सील कर देते हैं, जिससे कि जब वायु यहाँ प्रेशर से भेजी जाए तो हमारा यार लीक करके वायुमंडल में ना जाए, इसको रोकने के लिए क्या किया हमने, रॉड को सील कर दिया, क्या किया हमने, रॉड को सील कर दिया, रॉड को सील किया गया ताकि यहाँ से लीकेज करके बाहर वायुमंडल में ना जाए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉड सील। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।